नमस्कार। 40 से ज्यादा कत्ल का मुजरिम मुन्ना बजरंगी की 13वीं थी आज जौनपुर में। बड़ी बड़ी शख्सियत वहां मौजूद हुई, भारी भीड़ जुटी। मुन्ना बजरंगी की प्रतिमा पर सीधे सीधे लिखा था, स्वर्गीय मुन्ना बजरंगी। तो इस बात से इतना कम से कम तय हो गया कि जौनपुर में अब जो कुछ भी है स्वर्गीय है। नरक की संभावना बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दी है जौनपुर के लोगों ने, और खास तौर से उन लोगों ने जो क्षत्रिय कुल के अपने आप को झंडा बरदार बनते हैं। उनका नाम है करणी सेना। करणी सेना के अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामणि। गोगामणि क्या है पता नहीं, लेकिन करणी की सेना के बारे में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने खिलजी वाली फिल्म पद्मावती पर जबरदस्त हंगामा किया और आखिर में माफी मांग ली। इस आज जो कुछ भी जौनपुर में मुन्ना बजरंगी के घर हुआ, इसके लिए हो सकता है करणी की सेना फिर से माफी मांग ले, लेकिन तब तक काफी देरी हो जाएगी। उसकी वजह है कि करणी सेना जो तथाकथित है, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वाकई ये सुखदेव सिंह गोगामणि है क्या, करणी सेना इनका कोई अलग कोई संगठन है या वही कालवी की कोई आनुषंगिक संगठन है या उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मैं भाई बहुत कोशिश की है मैंने जेवर मेजर हिमांशु से बातचीत करने के लिए, कालवी से बातचीत करने के लिए, उन लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इतना तय है सुखदेव सिंह एक अनजान सा शख्स है जिसने अपने आप को मुन्ना बजरंगी के 13वीं में अपने आप को पेश किया और ऐलान किया कि 30 दिन के अंदर अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुन्ना बजरंगी की मौत का खुलासा नहीं किया तो 90 दिन के बाद लखनऊ में करणी सेना जबरदस्त हंगामा करेगी। और उन्होंने आरोप था गोगामणि का कि इसमें सरकार खुद शामिल है, और उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो एक नारा देंगे कि भाजपा का फूल मेरी भूल। मैं इस बहुत झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि जौनपुर के जैसे जो अपने वहाँ के लोग अपने आप को शिराज हिंद के तौर पर मानते हैं, शिक्षा का सबसे बड़ा हब माना जाता है, सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ के लोग अगर बड़ी संख्या में एक अपराधी के घर एकजुट हो जाते हैं तो ये उससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। आपको बता दूं कि इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन की ओर से 8 थानों की पुलिस इकट्ठी की गई है और पुलिस की एक भारी डिप्लॉयमेंट हुआ है। उनके परिवार की तरफ से भोजन की और उनके टिकने की भारी व्यवस्था की गई थी। हमारे पूरे फुटेज अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये हैं कि इन्होंने 15,000 से ज़्यादा कार्ड भिजवाए थे, जो हाथों हाथ भेजे गए, डाक से भेजे गए और रजिस्टर्ड भेजे गए और कूरियर के तहत भेजे गए। साथ ही साथ तकरीबन 2,500 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर लोगों को बुलाने के लिए का न्योता दिया गया। जाहिर सी बात है कि सीमा उस पूरे मामले को एक कार्ड की तरह खेलना चाहती हैं, जिन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया था कि उनके मामले में ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह जो उनके पड़ोस के इलाके के नेता हैं, धनंजय सिंह पर भी आरोप लगाया कि ये पूरा उनके षड्यंत्र के तहत उनको उनके पति को मारा गया है। तो अब जाहिर से है कि सीमा उसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं। हम आपको दिखाते हैं कि उस पूरे कार्यक्रम में वहाँ गोगामणि जो सुखदेव सिंह गोगामणि ने क्या कहा और वहाँ क्या माहौल बना, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सारे चैनलों की मैंने रिपोर्टिंग देखी है। मित्रों, मुन्ना बजरंगी को अपराधी किसी भी कोर्ट ने अब तक घोषित नहीं किया था। वो मुजरिम था परंतु अपराधी घोषित नहीं हुआ था। यहाँ पर आए भी सीआईडी के लोग बैठे होंगे, वो कहते अपने आकाओं से कि हम क्षत्रिय हैं, डरने वाली कम नहीं है, परंतु अन्याय के खिलाफ लड़ना हम क्षत्रियों के खून में है। आज हम इस परिवार के साथ हैं। सीबीआई से जांच, दोषियों की गिरफ्तारी, और जो व्यक्ति ये समझ रहे हैं उनके एक दो और आदमी भी खड़े होंगे
और ना अगर खड़े हो तो एक चैनलों को देख ले, अगर वो कहते हैं बहुत बड़े भूमाफिया हैं, बहुत बड़े बाहुबली हैं, वो ये समझ लें अगर सचमुच उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर कानून है तो उनको, ये सीमा सिंह बैठी हैं, इनके परिवार को न्याय मिलेगा। छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनके मन से, इनकी आत्मा से पूछो इनसे क्या बीत रही है। जी, तो दिखा आपने कि क्या हो रहा है, और ये तथाकथित संगठन करणी सेना, और जिसका कोई लेना देना नहीं, उसके नाम को कोई कोई नहीं जानता उस क्षेत्र में, सुखदेव सिंह गोगामढ़ी को, ये वहाँ पर आ रहे हैं और वो एक पूरे तामाझामा के साथ वहाँ आ रहे हैं। एक चंद्रशेखर जी के बड़े करीबी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बड़े करीबी और उनके मुंडसी आश्रम के संस्थापकों में से एक हैं सूर्य कुमार जी इस समय समाजवादी पार्टी में हैं। उन्होंने हमें एक संदेश भेजा है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुन्ना बजरंगी के यहाँ जो इतनी भीड़ जुटी है, वो उन्होंने, उनके हिसाब से ये विचारणीय विषय है, आखिर ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जनता का इतना आकर्षण क्यों है, क्या जातीय जज्बात की सारी सीमाएँ टूट चाहिए हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि लोकतंत्र में वंदियों की इस तरह की हत्या को सरकार की प्रशासनिक असफलता या सरकार द्वारा अपराधियों से निपटने या उसको निपटाने की रणनीति के रूप में समझा जाए, जैसी भी व्याख्या की जाए, पहला समाज के कोड़ में खाज है तो दूसरा लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है, और इस हत्या का राजनीतिक में तात्कालिक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए गिरावट की पराकाष्ठा की पूरी तरीके से जिम्मेदार है। सूर्य कुमार कहते हैं कि बहरहाल ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रयास में कुछ लोगों को सामने आना पड़ेगा। लेकिन सूर्य कुमार जी, मैं आपको बता दूं, बड़ा दुख की विषय है कि जौनपुर में लोगों की भीड़ तो जुटी, लेकिन एक भी व्यक्ति ने उसके विरोध में एक शब्द नहीं बोला। ये हमारे विरोध की आज है जो अब बुरी तरह बुझ चुकी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पूरे क्या क्या लोग हुए। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बताई थी, और हमारे मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि हमारे पति की जान को खतरा है, उनकी उचित व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए जाए। उसके बावजूद भी 10 दिन बाद उन्हें बागपत ले जाया जाता है और जेल के अंदर उनकी हत्या करवा दी जाती है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जेल के अंदर किसी की हत्या हो जाती है और प्रशासन शासन कहता है इसमें हमारा हाथ नहीं है। इसमें शासन प्रशासन मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं पीछे से हाथ है, उन्होंने हाथ रखा है। सब लोग साथ में मिलकर धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं के साथ सब लोग मिलकर ये काम किए हैं। मैंने ये चीजें पहले भी बताई थी और अभी भी, अब मैं अगर सीबीआई की जांच मांग रही हूँ तो सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री जी का या हमारे भारत सरकार का या शासन प्रशासन का हाथ नहीं है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? सीबीआई जांच करवाएं, अगर नहीं है इससे साबित हो जाएगा कि हाँ उन लोग का हाथ नहीं है। इसका मतलब है सीबीआई जांच छोड़िए, न्यायिक जांच बोल रहे हैं हम करवा रहे। आज 13 दिन हो गए, बताइए कौन पकड़ा गया, किसको पकड़े, किसकी गिरफ्तारी हुई, किससे कोई सवाल जवाब किया गया, किसी से कोई भी सवाल जवाब न करके बस न्यायिक जांच हो रही है, यही कहा जा रहा है। भाजपा के बरेली के विधायक कहते हैं कि जो भी हुआ मुन्ना बजरंगी के साथ, मेरे पति के साथ, वो ईश्वरीय देन है। मैं उनसे पूछती हूँ, अगर कल को उनकी माँ बहन और उनके भाई की हत्या होती है, माँ बहन के साथ कोई गलत काम करता है तो क्या वो वहाँ खड़े होके देखते रहेंगे और कहेंगे कि ये भगवान का देन है, भगवान ने न्याय किया है? ये हमें बताइए आप। हमें जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। अलका जी कहती है मैं 10 सालों से 15 सालों से इंतजार कर रही थी, आज भगवान ने न्याय किया। मैं पूछती हूँ जिस दिन उनके पति की हत्या हुई क्या उस दिन भी भगवान ने न्याय किया था? वो भी तो न्याय था। फिर अगर उनकी भी हत्या हुई थी तो वो भी न्याय था, तो वो कैसे दुखी थी भगवान का न्याय समझ करके? उनको इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए था, और आज वो खुशियां बांट रही है, मिठाई बांट रही है।
कि उनके पति की हत्या जिसमें कि इनका नाम सिर्फ था उसमें दोष सिद्ध नहीं हुआ था, उनपे दोषी नहीं थे, विचाराधीन कैदी थे, उसके बावजूद उनपे 40-40 मर्डर के केस, ये बीजेपी सरकार वाले के थे, उनपे 40-40 मर्डर केस थे। ये बताइए कौन सा ऐसा माफिया है, कौन सा ऐसा अपराधी जेल में बैठा है जिसने मर्डर नहीं किया है, और अगर मर्डर किया है तो पकड़ा है सबके हाथ में हथियार और एक दूसरे कत्ल करवा दे, हत्या करवा दे। मुझे नहीं चाहिए कोई जांच, न सीबीआई जांच चाहिए, न किसी से कोई सवाल जवाब चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और अगर ये न्याय नहीं करेंगे तो मैं धरना दूंगी, प्रदर्शन करूंगी, मैं अपने पति के लिए न्याय मांगूंगी, मुझे न्याय चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। आप सब जानते हैं परिवार बैठा, आज सिर्फ हम तीन बातों को लेकर आपके पास आए हैं और मीडिया के मित्रों के पास आए हैं खासकर, और मीडिया के मित्रों से सिर्फ आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम सरकार के पास अपना अनुरोध, अपना विरोध, अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से षड्यंत्र रचकर सरकार के कौन कौन से अधिकारियों ने षड्यंत्र रचा, कौन कौन से राजनीतिक परिवार, राजनीतिक घराने और राजनीतिक पार्टियां प्रेम प्रकाश सिंह की हत्या में इन्वॉल्व। जी तो कम से कम इतना साफ हो गया कि एक जेल में जो सरकार के पूरी तरीके से संरक्षण में है, सुरक्षा में है, वहां पर मुन्ना बजरंगी जैसे दुर्दांत अपराधी की हत्या की जा रही है। ये सरकार की प्रशासनिक असफलता का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और ऐसी स्थिति में आम आदमी का झुकाव, जो प्रताड़ित जनता है उसका विश्वास, आस्था सरकार और प्रशासनिक पर नहीं जुड़ता है, बल्कि टूट करके सीधे सीधे ऐसे अपराधियों के तेरहवीं या दूसरे उनकी एकजुटता पर साफ साफ असर पड़ता है। तो हम कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि योगी सरकार इस पूरे मसले पर पूरी तरीके असफल रही है, अपने आप के प्रति आम आदमी को विश्वास में जोड़ने से भी असफल रही है, और उन लोगों को अपराधियों से जुड़ने के न होने के लिए जो प्रयास होने चाहिए उसमें पूरी तरीके से सफल असफल रही है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये योगी सरकार की एक बड़ी असफलताओं में एक है। मैं कुमार सोरी, dulatti.com से आपसे केवल गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को, अगर आप हमारे कंटेंट को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके उसे घंटी बजा करके लाइक कीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा शेयर कीजिएगा। हम लगातार इसी तरीके से खबरें आप तक पहुंचाते रहें।